हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कल पीछे वाला ब्लॉग छोड़ा था। और ये आज बाड़ीधार मेला का पार्ट टू है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पार्ट वन शेयर किया था कल, उसी का ये पार्ट टू है। और आप तो मुझे रोज़ रोज़ देखते हो वीडियो में, तो आज क्यों ना मैं आपको हरी हरी, चारों तरफ हरियाली और अपना जो घना घना सा जंगल है हमारे यहाँ का, शांत सा वातावरण, उसको थोड़ा सा दिखाती हुई चलती हूँ। क्योंकि मैंने कहा था ना कल आपको कि एक वीडियो में शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एक वीडियो में सारा कुछ दिखाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप कैसे हो मुझे ये भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कल का सफ़र है हमारा, जो कि हमने गाड़ी में तय किया था और वीडियो जल्दी जल्दी बना रही थी, तो ये मैं कल शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से। और आगे ठीक वहीं जहाँ पे मैंने कल व्लॉग छोड़ा था, आगे वहीं से स्टार्ट करूँगी, ताकि कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ जितना मैं जानती हूँ इसकी खासियत के बारे में, वो मैं सब आप लोगों को भी बता सकूँ। और मेरे द्वारा अगर आपको जानकारी देने में कोई गलती रह जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और हम यहाँ से चले तो बस पहुँचने ही वाले थे, और रास्ते में बहुत सारे लोग थे जो कि हमें मिले पैदल जाते हुए। और हाँ, एक बार और आप सभी से कहना चाहूँगी कि कल मैंने कमेंट भी किया था, हमारे यहाँ 17 जून को भी एक और मेला होता है जो कि दंगल यानी कुश्ती का मेला होता है, और वो होता है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुंधन के सामने। तो आप जो भी मुझे देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, तो ज़रूर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है 2 साल के बाद कोई त्यौहार है या मेला है, 2 साल बाद लौट रहा है। देखिए, ये है हमारे यहाँ की जो खूबसूरत सी वादियाँ हैं हिमाचल की, बस यही खासियत है हिमाचल की, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और आगे मैंने ठीक
हाँ जी जी, यहाँ पर दूर दूर से यात्रु आते हैं मेला देखने के लिए और जो जो उनकी मन्नत पूरी होने पर अपनी वो मन्नत चढ़ा कर के जाते हैं। बाड़ा देव जी हमेशा सबकी मुरादें पूरी करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ से बिना भंडारा खाए कोई नहीं गया। यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया था। ये मेला देखने के लिए देश से नहीं प्रदेश से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पे हर साल आते हैं।